शिवपुरी जिले के बिरार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बमनपुरा से है, जहां पर दो पक्षों में जमीनी विवाद और खेत की मेड़ को लेकर शुक्रवार की बीती रात आपसी कहासुनी के बाद भयंकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आरोपियों के द्वारा फरियादी के परिजनों के साथ अश्लील गाली गलौज की गई। जब गाली गलौज करने से मना करने पर आरोपियों के द्वारा तलवार, कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें ग्राम बमनपुरा निवासी पिता पुत्र फरियादी बाईसराम धाकड़ और नरेंद्र धाकड़ को गंभीर चोट आई, जिसके बाद दोनों घायलों को गंभीर हालत में बिरार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें से बाईसराम धाकड़ की हालत को अधिक गंभीर होने के कारण बिरार चिकित्सक के द्वारा उसे जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार फरियादी नरेंद्र धाकड़ खेत की मेड़ को लेकर पिता के साथ आरोपियों के यहां बातचीत करने गए, लेकिन आरोपियों द्वारा उत्तेजित होकर तीनों पिता पुत्र पर हमला बोल दिया गया, जिसके बाद फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी हीरालाल खड़ग सिंह और लवकुश कुशवाहा के साथ अन्य लोगों के विरुद्ध धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज शाम करीब 6:30 से 7 बजे बोनपुरा गांव में बाईसराम धाकड़, नरेंद्र धाकड़ और सोनू धाकड़ तथा हीरालाल कुशवाहा, हर सिंह कुशवाहा, लवकुश कुशवाहा में जमीन की मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। हीरालाल कुशवाहा, लवकुश कुशवाहा, हर सिंह कुशवाहा के घर पर बाईसराम कुशवाहा के साथ झगड़ा कर रहे थे। इसकी सूचना पर उसका पुत्र नरेंद्र कुशवाहा वहाँ पहुँचा तो वहाँ उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उत्तेजित होकर जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी और फरसे से बाईसराम पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गति गंभीर चोट आई है। जब नरेंद्र कुशवाहा ने बचाने का प्रयास किया तो उसके सिर पर भी कुल्हाड़ी से वार किया। थाने पर आने पर तुरंत उनको मेडिकल कराया गया और नरेंद्र कुशवाहा की तरफ से आरोपी तीनों आरोपियों के विरुद्ध 307 की FIR रजिस्टर की जा रही। ये मेरे पिताजी हैं, ये अकेले रहते हैं, माँ और पिताजी गांव में रहते हैं। मैं बिरार था तो इनसे झगड़ा हो गया, इनको बुलाने गया, मैं समझाने गया तो मैं वहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो सीधा मेरे में लट मस दिया। वो थी क्या बोलते हैं, तलवार थी और धारदार हथियार थे, मतलब कुल्हाड़ी थी और जो लोहांगी कहते हैं क्या बल्लम, कुल्हाड़ी की मेरे ये लग रही है सर 3-4 चोटें, ये बता रहे हैं। वो पिताजी उसमें बेहोश डले हुए हैं, एम्बुलेंस में उनको शिवपुरी रेफर कर दिया। तो आपके ऊपर ये हमला किसने किया है? ये कुशवाहा है। क्या नाम है? बंटी तातीराम कुशवाहा के लड़का है, हीरालाल कुशवाहा, खरग सिंह कुशवाहा, लवकुश कुशवाहा, उनकी तीनों मैसेज है प्लस मैं आई। तो मतलब दोनों मेरे को, पिताजी को, चाचा का लड़का है बाद में, उनको तीनों को बांध के डाल दिया। सभी लोग थे वो मतलब 8 लोग थे, हम पिताजी मेरे अकेले और चाचा का लड़का, सभी लोगों ने एक साथ मिलके हमला किया। एक साथ मिलके जो धारदार हथियार, कुल्हाड़ी, तलवार और सारे बड़ा रहते हैं, उनसे सुबह शाम तो गाली देते हैं। आज सुबह गाँव वालों को पूछ लेना, सुबह गाली दे रहा था, वो बोला किराने का मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब मैं अब शाम को गया, मैं पिताजी से फिर शाम को लड़ रहा था तो मैं गया तो मैंने पूछा जाके, मैं सर भैया क्या बात हुई, क्यों क्या कर रहे हो, तो सीधा कुछ नहीं बोला मेरे से, आगे लट मस गए। चलो ठीक है।